हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टार प्रो लर्निंग ट्रेनिंग सीरीज। और पिछले सेशन में हमने डिस्कस किया था कि किस तरीके से हम सिस्मिक लोड्स अप्लाई सिस्मिक लूप डिफाइन कर सकते हैं। अभी तक हमने अप्लाई नहीं किया है, लेकिन हम किस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं उसके बारे में हमने डिस्कस किया। अभी हम डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से डिफरेंट लोड टाइप्स हम हमारे ये जो प्रोजेक्ट है एग्जिस्टिंग उसमें अप्लाई कर सके, ऐड कर सके। तो ऑब्वियसली आपको पता ही है, लोड टाइप ऐड करने के लिए लोड केस डिटेल में जाना है, फिर क्लिक ऑन ऐड। और मैंने आपको पहले ही बताया, पहले हम सिस्मिक लोड अप्लाई करेंगे, फिर डेड लोड और लाइव लोड अप्लाई करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ से मैं ऐड कर देता हूँ सिस्मिक लोड। और सिस्मिक लोड में तीनों डायरेक्शन में पॉजिटिव और नेगेटिव मैं ऐड करूंगा। तो एक्स डायरेक्शन में भी पॉजिटिव नेगेटिव, वाई डायरेक्शन में भी पॉजिटिव नेगेटिव, और जेड डायरेक्शन में भी पॉजिटिव नेगेटिव। तो यहाँ से मैं टाइप करता हूँ इक्यू एक्स इन पॉजिटिव डायरेक्शन, फिर ऐड इक्यू एक्स इन नेगेटिव डायरेक्शन, ऐड इक्यू वाई पॉजिटिव डायरेक्शन। Add EQY in negative direction, add EQZ in positive direction, add and EQZ in negative direction, add। और as usual dead load, यहां से मैं ऐड करता हूं dead load, dead load हमने ऐड कर देते हैं। और यहां से ऐड करते हैं लाइव लोड ऐड, फिर क्लोज। सो बेसिकली इस वीडियो में हमने देखा कि किस तरीके से हम डिफरेंट लोड केसेस ऐड कर सकते हैं।